आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे मैटर हैं इसमें जो कि आपको काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम ये रेगुलेटर को आपको दिखा दें, इसका नंबर है GH158B। ये यहाँ पर दिखा दें आपको, ये यहाँ इस जगह पे लगा हुआ था, इस पे वोल्टेज यहाँ पे 1.3 वोल्ट शो कर रहा था यहाँ पे। अब इसके वोल्टेज को हम अभी आपको दिखाते हैं कि मैंने जब इसके आउटपुट को यहाँ से हटाया, इसमें प्रॉब्लम था, ये इसकी टिकॉन आईसी ओवरहीट हो रही थी। कुछ देर बाद पिक्चर क्वालिटी पूरी जो है बिगड़ गई थी, यानी इसके कलर भी जो है काफ़ी मरे मरे हुए से आ रहे थे। अब ये ओवरहीटिंग का जो रीज़न था, यहाँ पे ये आईसी ओवरहीट हो रही थी। इसके पहले हमने यहाँ पे ये जो है बूस्टर यानी पैनल बूस्टर लगाकर इसको क्लियर किया था। अब देखिए इसमें हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब यहाँ पे टेस्ट आउट किए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होना चाहिए, अभी आपको दिखाते हैं, और मल्टीमीटर से भी इसके वोल्टेज को दिखाते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर देखिए, यहाँ जो वोल्टेज शो कर रहा है, ये देखिए 3 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये जो यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज दिया है, ये देखिए 1.2 वोल्ट दिया है। अब ये 3 वोल्ट यहाँ पर ये जो है आ रहा था, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 वोल्ट, यानी यहाँ पे 3 वोल्ट शो नहीं करेगा, 1.3 वोल्ट शो करेगा। तो ये हमने जब ओपन किया तब इसका जो है स्थिति मालूम हुआ, तब जाके क्लियर हुआ। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर देखें ये 1.2 है, हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं, इसको हटा दिए। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, ये 3 वोल्ट है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं और यही 3 वोल्ट यहाँ पर देखें मल्टीमीटर में, यही यहाँ पर लगाते हैं और देखिए 1.3 वोल्ट शो किया। अब इसको हटा लिए, अब यहाँ पर देखें 3 वोल्ट, ठीक है। अब ये अगर लगा रहे उस कंडीशन में, आप इसके वोल्टेज को टेस्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप दिखाई देगा, और ये सारी वोल्टेज जो ड्रॉपिंग हो रही है इस आईसी को ये मिलेगा, जिससे ये आईसी ओवरहीट होगी। तो हमने जो है इसके जगह पे अगर इक्विवेलेंट लगाते हैं, इसका इक्विवेलेंट अभी हम दिखाते हैं, ये है ये दिखाओ 11, यहाँ पर दिखाओ जूम करके, ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसके जगह पे ये इसका इक्विवेलेंट है। ये बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि इस टाइप के अगर आपको ये नंबर का अगर मिलता है रेगुलेटर, तो यहाँ पर देखें ये इसके जगह पे जो है ये 1117 एडजस्ट वाला लगेगा, यानी ये जो पिन है इस साइड में ये एडजस्ट लिखा हुआ है। अब ये राइट साइड में इसका इनपुट होगा और लेफ्ट साइड में एडजस्ट होगा, और बीच में ये आउटपुट होगा। अभी इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं, तो फिर यहाँ पर दिखाते हैं वोल्टेज कितने मिलते हैं। इसको भी इसी पोजीशन पर हम चेक करते हैं।
इसके लिए हम एक वायर यहाँ से निकालते हैं और इसी एंगल पे इसको जोड़ते हैं। यह है इसका एडजस्ट वाला पॉइंट। और नेक्स्ट है ये इसका इनपुट। जैसे यहाँ पर तीन बोर्ड दिख रहा था, अभी आप देखिए यहाँ पे अगर इसके जगह पे मान लीजिए आप दूसरा रेगुलेटर लगाते तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहा है। ये यहाँ पे इनपुट है और ये एडजस्ट है और यहाँ पे ये आउटपुट है। देखिए 2.5 आउटपुट दे रहा है। अब ये आउटपुट अगर यहाँ पर दे दें तो इस आईसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पे ये नहीं क्लियर था कि 1.5 है कि 2.5 है कि 1.2 है। हमने यहाँ पर जो है 1.2 वोल्ट की सप्लाई देकर यहाँ पे क्लियर किया है और ये सेट हमारा ओके है। अब यहाँ पे हम इसको जो अलग से मॉड्यूल के द्वारा सप्लाई दिए हैं, ये है इसका 1.2 वोल्ट। अब ये यहाँ पे कोई भी ड्रॉपिंग नहीं होगा। अगर ये 1.2 यहाँ पर दिख रहा है तो ये यहाँ पे भी 1.2 ही दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया। थोड़ा आयरन कम गर्म है। अभी ये वोल्टेज मल्टीमीटर पर आप देखें 1.2 वोल्ट दिख रहा है और ये है इसका ABDD 12 वोल्ट। और यहाँ पर देखेंगे ये है इसका BGL और यहाँ पर दिखा दें ये है इसका BGH। तो ये BGH, ये BGL और ABDD। अब BCOM की लाइन यहाँ पे है तो 12 वोल्ट के जगह पे ये देखिए 5.4 वोल्ट। तो ये अलग से मैंने इस स्केलर रिसीव को लगाया है और जो कि ये है 19 इंच का। ठीक, ये इसका नंबर है HT190WG। देखिए यहाँ पे एक सेकंड दिखा दें, ये बहुत काम करेगा। जैसे कुछ लोगों को इसका रेगुलेटर का नंबर और इसका इक्विवेलेंट देखने में प्रॉब्लम होता है तो देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप का रेगुलेटर लगा है, पहले हम लाइट बंद कर दें। अब ये है इसका इक्विवेलेंट नंबर जो एडजस्ट नीचे लिखा हुआ है और ये MS1117 और यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है GH15B। ठीक है, ये पहले से लगा हुआ था, इसमें फॉल्ट था, लेकिन अगर इसके जगह पे आपको लगाना है तो ये इसके जगह पे लग जाएगा। ये यानी इसके जगह पे ये 1117 लग जाएगा जो कि जनरली ये मिल जाता है। अगर आपको ये वोल्टेज डाउट लगते हैं तो सबसे पहले इसको ओपन कर लें। ओपन करके इसका जैसे हमने यहाँ पर इसके आउटपुट को यहाँ पर नहीं लगाया है, एक सेकंड दिखा दें, बिना लोड के ये यहाँ पे। तो आप ये जैसे इनपुट है और ये है एडजस्ट, तो दो वायर लें और दोनों वायर को जो है इसी एंगल पर जोड़ दें। जैसे यहाँ पे एडजस्ट वाला जोड़ दें और यहाँ राइट साइड में इनपुट जोड़ने के बाद आप पहले मल्टीमीटर से ये इसके आउटपुट वोल्टेज को क्लियर करें। क्लियर करने के बाद यहाँ पर जोड़ें
और उससे पहले आपको अगर ये वोल्टेज यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई वोल्टेज लिखा नहीं है, ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए ये तो रेगुलेटर से क्लियर होगा, और रेगुलेटर एडजस्ट वाला है, तो एडजस्ट का मान लीजिए प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे हमने इसके नंबर को भी लिख दिया है, ये पहले से लगा हुआ था, और ये जो इस नंबर है ये 1117 एडजस्ट वाला, ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इस दोनों रेगुलेटर को क्लियर करना है। इसमें प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम था वो था कि एडजस्ट का, अगर मान लीजिए फिक्स रेगुलेटर होता तो फिक्स रेगुलेटर से क्लियर हो जाता है, फिक्स रेगुलेटर में ये प्रॉब्लम नहीं होता कि कितना वोल्टेज होना चाहिए कितना नहीं। इसमें अब ये नंबर लिखा हुआ ये है एडजस्ट का, अगर यहाँ पे वोल्टेज इसकी मिसिंग हो गई तो इस डिवाइडर रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, वो डिफरेंस वोल्टेज जिस आईसी को जा रहा है या जहाँ पे जा रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके से, या कभी कभी इसके इंटरनल भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा कि इस रेगुलेटर में हुआ, क्योंकि इसके जगह पे जब ये लगाते हैं तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट दिखाता है, और ये लगाते हैं तो 3 वोल्ट दिखता है। इसका मतलब कि ये रेगुलेटर फॉल्ट है, क्योंकि इसका सेम ये इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखें इसके पीछे की क्वालिटी, थोड़ा सा अब यहाँ पर इसकी पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, यहाँ पर दिखा दें पिक्चर की क्वालिटी देखें। तो इसी तरीके से आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।